नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल महानगर के जे वी जैन डिग्री कॉलेज में महानगर मंत्री वंदन कौशिक के नेतृत्व में पहुँचा और विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के संबंध में कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बात करते हुए महानगर मंत्री वंदन कौशिक ने बताया कि सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति के फार्म कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज में जमा तो कर लिए गए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को प्रेषित नहीं किया जा रहा है, जिससे बच्चों का आने वाला भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और कॉलेज में वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद भी कॉलेज में सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कॉलेज में पीने के पानी वे शौचालय की व्यवस्था जर्जर हुई पड़ी है, जिससे छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान महानगर सहमंत्री अक्षत धीमान, वरुण राय, गणेश तोमर, अनुराग, प्रिंस, मानस, गुड्डू, अजय, अक्षय आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। NBD से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वंदन कौशिक, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सहारनपुर महानगर। किस मामले में आप आए हैं ध्यान कुंज? आज यहाँ जीवीएन डिग्री कॉलेज में विभिन्न शैक्षिक समस्याओं को लेकर के हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें सबसे पहली समस्या है स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो समाज कल्याण विभाग को आगे प्रेषित नहीं हो रहा था, इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा विषय, टेम्परेचर स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुचारू करने के लिए कॉलेज में छात्रों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था उचित नहीं हो रही थी, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। तीसरा विषय, पीने के पानी की व्यवस्था बहुत खराब कॉलेज में इस समय है, गंदा पानी आ रहा है पीने का। उन टैंकरों की, जो पानी के टैंकर है, उनमें सफाई की और उनमें दवाई डलवाने के लिए हमने प्राचार्य जी से कहा है। और चौथा विषय है, शौचालय इतने भी डिग्री कॉलेज में है सब बहुत ही गंदे, बहुत ही उनमें सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमने प्राचार्य मोदी जी से कहा है। और यदि जल्दी सारी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए। क्या आश्वासन दिया आपको प्रधानाचार्य जी ने? प्राचार्य जी ने कहा है कि जल्द से जल्द उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। Thank you.